नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू नेता संजय सिंह पार्टी को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं, बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं और ये साबित करने की कोशिश में हैं संजय सिंह महाराणा प्रताप की जयंती के बहाने कि राजपूत समाज के वे सर्वमान्य नेता हैं। संजय सिंह महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर 20 से ज्यादा जिलों का दौरा कर चुके हैं और 20 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संजय सिंह ने क्या कहा है, आप सुनिए। निश्चित तौर पर छपरा के महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो महाराणा प्रताप का जो पुण्यतिथि पटना में 19 जनवरी को मिलर स्कूल में जो मना रहे हैं, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। हम पूरे बिहार भ्रमण पर आज उसी छपरा में समीक्षा बैठक में आए हैं। मैं तहे दिल से शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को, कामेश्वर बाबू को, दिनेश बाबू को, यहाँ के अध्यक्ष राजू जी को और यहाँ शानू को और जितने भी लोग हैं, पंकज को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो स्वागत किया, धन्यवाद के पात्र है। और हम निवेदन और आवेदन करने आए हैं, आह्वान करने आए हैं कि 19 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें और उस पुण्यतिथि को सफल बनाएं। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को ताकत दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू के बड़े नेता हैं संजय सिंह, कद्दावर नेता हैं, मुखर प्रवक्ता हैं और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं ताकि पार्टी को अपनी राजनीतिक हैसियत बताई जा सके और अपनी ताकत दिखाई जा सके। संजय सिंह ने जो कहा है वो हमने आपको बता दिया है। महाराणा प्रताप की जयंती बहाना है दरअसल संजय सिंह को अपनी ताकत दिखानी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।